जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत सारी अपडेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और पूछे भी जाने चाहिए क्योंकि बच्चे इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो एक्स और बैक वाले बच्चे हैं। तो साथियों, एक्स और बैक वाले बच्चे जिन्होंने अपनी एक्स भरी है, चाहे वो आपकी फर्स्ट ईयर की भरी है, फर्स्ट सेकेंड ईयर की भरी है, या आपका फाइनल ईयर की भरी है, या आपने कोई से भी सेमेस्टर की बैक या एक्स भरी है, तो साथियों आप अपना जो है एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। आपके जो एग्जाम है यानी कि फाइनल ईयर के, एक्स के, बैक के, उनके तो एग्जाम होने ही होने हैं, और साथ के साथ हो सकता है आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एक्स और बैक के भी एग्जाम कराए जाएंगे। यानी कि जो अभी यूनिवर्सिटी में चर्चा चल रही है, एक या दो दिन में यानी कि परसों मीटिंग है, उसमें बिल्कुल फाइनल मोहर रख जाएगी। लेकिन चांसेस यही है, 99% चांसेस हैं कि आपके एक्स और बैक के इस बार एग्जाम कराए जाएंगे। तो आप अपने एक्स और बैक की तैयारी करते रहिए, और जो भी आपने फॉर्म भरा है एक्स का या बैक का, तो वो जो आपका पेपर होंगे, यदि पेपर होते हैं, तो वो आपके जुलाई में ही कराए जाएंगे, यानी कि उससे लेट आपके नहीं होंगे। चाहे वो आपने फर्स्ट ईयर की बैक भरी है, या आपके सेकेंड ईयर की भरी है, या आपने किसी भी सेमेस्टर की एक्स या बैक भरी है, तो वो आपके जो एग्जाम कराए जाएंगे वो आपके एग्जाम जुलाई में ही कराए जाएंगे। तो यानी कि आपको अपने जो बैक और एक्स है उसके लिए तैयारी करते रहना है, उसके आपको एग्जाम देने होंगे। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दूसरा, कि आपके एग्जाम के पैटर्न को लेकर, यानी कि जो आपके एग्जाम होंगे उनका पैटर्न क्या रहने वाला है, और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने टाइमिंग का होगा, तो इन सब सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। साथियों, जितनी भी पर डे की अपडेट होती है, बहुत सारी अपडेट ऐसी होती है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको वीडियो में बताता हूं, और बाकी जो न्यूज है वो सब मैं अपने फेसबुक पेज पर शेयर करता हूं। तो आप अपना फेसबुक पेज, यानी कि जो मैंने फेसबुक पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और यदि हाँ, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो प्रोग्रामिंग के लिए मैंने लर्निंग विद अर्निंग पर निरंतर क्लास चल रही है, रेगुलर मोड में क्लास चल रही है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। यानी कि यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप लर्निंग विद अर्निंग के चैनल पर आ सकते हैं, और यदि आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप आ सकते हैं टारगेट विद गुरुजी पर। तो साथियों, आगे बात करते हैं आपके एग्जाम के पैटर्न को लेकर। साथियों, एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो आपका ऑफलाइन ही रहेगा, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो आपके जो एग्जाम होंगे वो आपके ऑफलाइन ही एग्जाम होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके जो एग्जाम होंगे उनका जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि वो आपकी लिखित परीक्षा होगी या जो आपके मल्टीपल चॉइस है वो होंगे। तो साथियों, जो हमारे फाइनल ईयर के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें हमारा फाइनल ईयर के जो एग्जाम होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव ही होने वाले हैं, और उनका जो टाइम होता है वो 2 घंटे का टाइम होता था, लेकिन इस बार जो उनका टाइम रहेगा वो आपका 1 घंटे का समय रहने वाला है। यानी कि 1 घंटे का उनका पेपर होगा, और उनकी जो क्वेश्चंस की संख्या है वो आधी कर दी जाएगी, उनके क्वेश्चंस की संख्या आधी कर दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आपका वो पहला पेपर 100 नंबर का होता था, तो आपका इस बार भी पेपर क्या होगा, 100 नंबर का ही होगा। जैसे कि उस समय आपका जो क्वेश्चन होता था 1 नंबर का, तो अब क्या हो जाएगा, वो जस्ट डबल उसके मार्क हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा, यानी कि पेपर का आपका जो क्या होगा, पेपर का टाइम कम होगा तो आपके क्वेश्चंस भी कम होंगे, लेकिन जो आपके जो मार्क्स हैं टोटल मार्क्स, वो आपका इतने ही मार्क्स का पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एनुअल एग्जाम होने हैं, यानी कि जो क्या होते हैं हमारे सब्जेक्टिव होते थे पेपर, तो वो हमारे सब्जेक्टिव ही होने वाले हैं, यानी कि वो लिखित परीक्षा ही होने वाली है, उसमें आपका वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। उसमें आपका जो क्या रहेगा, टाइम आपका जैसे 3 घंटे का समय होता था, तो वो जो आप समय हो जाएगा वो आपका 1.5 घंटे का समय होने वाला है, यानी कि टाइम क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। और इसी टाइप से आपके जो क्वेश्चन होंगे वहां पर भी, यानी कि पेपर जो होगा आपका, वो क्वेश्चन भी आपको आधे क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 50% की आपको
आपको छूट दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर यानी कि जब हमारे एग्जाम चल रहे थे, यानी कि जो कोरोना संक्रमण आया था, दूसरी लहर आई थी कोरोना संक्रमण की, तो उससे पहले ही हमारे जो पेपर थे वो प्रिंट करा दिए गए थे। तो अब जो पेपर होंगे आपके पेपर वही होंगे, लेकिन बस उसमें क्या होगा, आपको 50% क्वेश्चंस की आपको छूट दी जाएगी। यानी कि कितने क्वेश्चंस करने होंगे, आधे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जो आपके क्लास में इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको 50% क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन पेपर के जो टोटल मार्क्स होंगे आपका वही रहने वाला है। यानी कि बस क्या होगा, आपके जो मार्क्स हैं एक क्वेश्चन के वो जस्ट डबल कर दिए जाएंगे। दूसरा है, इस बार जो आपके प्रैक्टिकल होने हैं तो प्रैक्टिकल इस बार नहीं होंगे, यानी कि प्रैक्टिकल कैंसिल कर दिए गए हैं। अब जो प्रैक्टिकल कैंसिल किए गए हैं वो आपके जो प्रैक्टिकल कैंसिल किए गए हैं, यानी कि जो अब एग्जाम होंगे उनके प्रैक्टिकल कैंसिल किए गए हैं। यानी कि जिनके एग्जाम हमारे, यानी कि जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे, उसमें कुछ कॉलेजों के जो प्रैक्टिकल और वाइवा बचे हुए थे, तो उनका भी नहीं कहा जा सकता कि वो प्रैक्टिकल कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। उनका जो क्लियरिफिकेशन होगा वो 1 से 2 दिन में होगा, यानी कि हो सकता है मंडे या ट्यूजडे में उनका क्लियरिफिकेशन हो जाए कि उनके प्रैक्टिकल और वाइवा होंगे या फिर नहीं होंगे। यानी कि जो आपके नए सत्र के, यानी कि जो नए सेमेस्टर के, यानी कि जो सम सेमेस्टर है उसके जो एग्जाम होंगे, तो उसके आपके प्रैक्टिकल और वाइवा आपके नहीं होंगे। वाइवा कराया जा सकता है, लेकिन वो भी क्या होगा, फिर आपका ऑनलाइन ही होगा। यानी कि जो वाइवा है आपका वो भी आपका फिजिकली नहीं होगा, वो भी आपका क्या होगा, ऑनलाइन कराया जाएगा। तो आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 4 ईयर के हैं या आपके 5 ईयर के हैं, तो उसमें 5 ईयर जैसे BA LLB है, BCOM LLB है, BSc LLB है, तो उसमें आपको करना क्या होगा, यानी कि उसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे 6 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे नहीं होंगे, आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, आपके जो एग्जाम है चांसेस क्या है, कमी है कि आपके एग्जाम कराए जाएंगे, आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपके जो क्लियरिफिकेशन है एग्जाम को लेकर वो आपका 15 या 16 तारीख में कराया जाएगा। यानी कि हो सकता है 14 तारीख को मीटिंग है, 14 में ही आदेश जारी कर दिया जाए, नहीं तो 15 या 16 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जाम होंगे या आपको प्रमोट किया जाएगा। चांसेस यही है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आगे बात करते हैं, जो आपके बीएड वाले स्टूडेंट हैं, जो बीएड आपका फाइनल ईयर है, तो फाइनल ईयर के तो एग्जाम होना है 100% बिल्कुल तय है, लेकिन उनके जो अब एग्जाम है उनके एग्जाम थोड़ा सा डिले होंगे। यानी कि पहले जो एग्जाम कराए जाएंगे वो आपके एनुअल कोर्सेज के कराए जाएंगे, जैसे आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, या आपके पीजी के और कोर्सेज हैं, एमए एमकॉम है, तो पहले उनके एग्जाम कराए जाएंगे। और बीएड के जो एग्जाम होंगे हो सकता है वो आपके जुलाई या के लास्ट में, अगस्त में आपके कराए जाएंगे, यानी कि जुलाई के लास्ट या अगस्त में वो एग्जाम आपके कराए जाएंगे। और बात करें बीएड फर्स्ट ईयर की, तो बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है अब उसके जो चांसेस हैं वो जो चांसेस बीएड फर्स्ट ईयर के चांसेस, पहले तो ये कहा जा रहा था कि बीएड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम हम नहीं कराएंगे, लेकिन हो सकता है अब बीएड फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम कराए जा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में रखिए, बीएड फर्स्ट ईयर को भी 1 या 2 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा। यानी कि हो सकता है 15 या 16 तारीख तक आपका क्लियर हो जाएगा कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम कराने हैं या नहीं कराने हैं। चांसेस अभी भी यही है कि एग्जाम नहीं कराए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम के ऊपर जैसे ही कोई डिसीजन आएगा उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी खुली हुई है क्या, हमें अपनी डिग्री लेनी है, प्रोविजनल लेना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, तो क्या उसके लिए हम यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, हमें अपनी मार्कशीट अपडेट करानी है। तो अब यूनिवर्सिटी आप आ सकते हैं, अब यूनिवर्सिटी की जो विंडो है वो आपकी खुल चुकी है। यानी कि आपका यदि कोई भी काम है वो आप करा सकते हैं, आपको अपनी मार्कशीट अपडेट करानी है, डिग्री, प्रोविजनल, माइग्रेशन, कुछ भी चीज आपको लेनी है, तो अब आप यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस खुला हुआ है, यानी कि जो वर्किंग टाइम है उसमें आपका जो कैंपस है वो आपका खुला हुआ है, आप आ सकते हैं। जो भी आपको अपडेट कराना है, जो भी चीजें आपको इश्यू करानी है, तो वो आप करा सकते हैं। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमारा प्राइवेट है, हमने प्राइवेट बीए है, प्राइवेट एमए है, तो क्या हमारे भी एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो जो प्राइवेट है उसके लिए भी सेम रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। यानी कि जो आपका जैसे फर्स्ट ईयर है बीए प्राइवेट का, तो बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपके नहीं होंगे, आपको प्रमोट किया जाएगा। आपके सेकेंड ईयर के और आपके फाइनल ईयर के एग्जाम कराए जाएंगे, फिर चाहे वो आपका प्राइवेट है या फिर रेगुलर है। तो ये रूल जो है आपका प्राइवेट और रेगुलर दोनों पे ही फॉलो करेंगे। आगे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि अपने मेडिकल कोर्सेज को लेकर, जैसे बीएससी नर्सिंग है, बीपीटी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो इनके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है मेडिकल के जो एग्जाम है वो सभी कोर्सेज के कराए जाएं, जो इनके लिए आपकी जो इनकी जो पिक्चर है वो हो सकता है आपका 15 या 16 तारीख तक ही क्लियर होगी। यानी कि 15 या 16 तारीख में बहुत बढ़िया डिसीजन आने वाले हैं, जिनको लेकर बहुत सारे बच्चों की निगाह टिकी हुई है। तो साथियों, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो
तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।